खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश के मामले में अमेरिकी मीडिया ने भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ पर आरोप लगाया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में रॉ के एक अधिकारी विक्रम यादव पर पन्नू की हत्या की कोशिश में शामिल होने की बात कही है। पन्नू खालिस्तान आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक है और सिख फॉर जस्टिस यानी कि SFJ का कानूनी सलाहकार और प्रवक्ता है। SFJ का उद्देश्य एक अलग सिख राष्ट्र के विचार को बढ़ावा देना है और भारत सरकार ने पन्नू को आतंकवादी घोषित किया है। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के इस दावे पर भारत के विदेश मंत्रालय का भी जवाब आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रविंद्र जायसवाल ने द वॉशिंगटन पोस्ट के दावे को खारिज करते हुए कहा कि रिपोर्ट की मदद से एक गंभीर मामले पर बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार ने अमेरिकी सरकार की ओर से आतंकवादियों या फिर संगठित अपराधियों के नेटवर्क से जुड़ी सुरक्षा चिंता के लिए एक समिति भी बनाई है। ऐसे में इस तरह की अटकलें लगाना और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। खैर, इस रिपोर्ट में और क्या क्या कहा गया है वो सब हम आपको वीडियो में आगे बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। दरअसल इस रिपोर्ट में पूर्व अमेरिकी और भारतीय सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से ये दावा किया गया है कि विक्रम यादव ने न्यूयॉर्क में पन्नू के घर का पता निकलवाया और एक हथियारों की टीम बनाई जो पन्नू पर हमला कर सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि यादव ने हथियारों की टीम से कहा था कि जैसे ही ये पुष्टि होगी कि अमेरिकी नागरिक पन्नू घर पर है, हमारी तरफ से अगला कदम बढ़ाया जाएगा। अखबार की खबर में ये भी कहा गया है कि यादव की पहचान और संबद्धता पहले सामने नहीं आ पाई थी। ये खोजी रिपोर्ट आज तक का सबसे ठोस सबूत प्रदान करती है कि हत्या की साजिश भारतीय जासूसी एजेंसी ने रची थी जिसे अमेरिकी अधिकारियों ने नाकाम कर दिया। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी जांच एजेंसियों ने फिलहाल यह आकलन किया है कि प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को शायद रॉ के सिख कार्यकर्ताओं को खत्म करने के इस इरादे के बारे में पता था, लेकिन अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि सिचुएशन के हिसाब से कोई सबूत सामने नहीं आया है। और राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व वाली अमेरिकी सरकार ने भी यादव के खिलाफ कोई आरोप लगाने से परहेज किया है। इतना ही नहीं, अखबार ने यह भी दावा किया है कि पन्नू को निशाना बनाने वाले अभियान को उस समय रॉ के प्रमुख सामंत गोयल ने मंजूरी दी थी और गोयल विदेशों में सिख चरमपंथियों के कथित खतरे को खत्म करने के लिए ज्यादा दबाव में थे। अमेरिका में पन्नू को मारने की कथित साजिश पिछले साल जून में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून को हुई घातक गोलीबारी से भी मेल खाती है, ऐसा वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है। पश्चिमी देशों के अधिकारियों के मुताबिक ये अभियान भी यादव से जुड़ा हुआ है। अब पन्नू की हत्या की साजिश का मामला क्या है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल अमेरिका ने बीते साल के आखिर में ये दावा किया था कि उसने अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया है। ये अमेरिकी नागरिक खालिस्तानी आतंकी पन्नू था। अमेरिकी अधिकारियों ने भारतीय अधिकारियों पर पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था। मामले को भारत के समक्ष भी उठाया गया और भारत सरकार ने इसकी जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया। भारतीय विदेश मंत्रालय के तत्कालीन प्रवक्ता अरिंदम बागची ने भी कहा था कि भारत ऐसे इनपुट को गंभीरता से लेता है क्योंकि हमारे अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों पर भी असर डालता है। अमेरिकी इनपुट के संदर्भ में मुद्दों की पहले से ही संबंधित विभागों द्वारा जांच की जा रही है। अमेरिकी आरोपों को सामने आने के बाद ही भारत सरकार ने मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति भी गठित की थी और फिलहाल इन सारे आरोपों को भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से सिरे से खारिज कर दिया जा चुका है। खैर, बीते ही दिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे और इस कार्यक्रम में खालिस्तानी समर्थक नारे भी लगाए जा रहे थे। कार्यक्रम के वीडियो में भी दिखाया गया है कि जैसे ही ट्रूडो ने भीड़ को संबोधित करना शुरू किया, खालिस्तानी समर्थक नारे लगाए गए। इस पर भी भारत के विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया था और इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक बार फिर उस राजनीतिक स्थान को दर्शाता है जो कनाडा में अलगाववाद, उग्रवाद और हिंसा को दिया गया है। उनकी निरंतर अभिव्यक्तियों ने ना सिर्फ भारत कनाडा संबंधों को प्रभावित किया है लेकिन कनाडा में अपने नागरिकों के नुकसान के लिए हिंसा और अपराध के माहौल को भी बढ़ावा दिया है। बहरहाल, आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।